शिक्षित होने से पहले, शादी करने से पहले, बच्चे पैदा करने से पहले वे कैसे थे और आज वे कैसे हो गए हैं, वे ऐसे हो गए हैं। आप दूसरों जैसी व्यवस्था करने की कोशिश मत कीजिए जिन्हें आप संभाल ही ना पाए। सतगुरु, इंसानी शरीर में इतने कण, अणु और परमाणु हैं, जिनकी संख्या कल्पना से परे है, और मन खुद भी बहुत जटिल है। इन दो जटिल साधनों के साथ किसी से सरल जीवन जीने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सिंपल लाइफ, ये इस पर निर्भर करता है कि आप सरल जीवन किसे समझते हैं। अगर आपको लगता है कि अनाड़ी बनकर जीना एक सरल जीवन है, तो मैं इसकी सलाह नहीं देता। लेकिन सरल जीवन का आम तौर पर मतलब होता था कि आप अपने जीवन में जो व्यवस्थाएं करते हैं वो सरल हैं, ताकि वो आपको उलझाएं ना, सिर्फ आपकी मदद करें। हम अपने जीवन में जो भी व्यवस्थाएं करते हैं उनका उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर बनाना है ना? आप शिक्षित क्यों हुए? क्योंकि आपको लगता था कि इससे आपका जीवन बेहतर बनेगा। कोई शादी क्यों करता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे जीवन बेहतर बनेगा। लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं या व्यापार क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे जीवन बेहतर बनेगा। लेकिन लोगों के चेहरे देखिए। शिक्षित होने से पहले, शादी से पहले, बच्चे पैदा होने से पहले वे कैसे थे और आज वे कैसे हो गए हैं? क्या ऐसा लगता है कि जीवन बेहतर हुआ है? हेलो, वे ऐसे बन गए हैं तो स्पष्ट है कि उन्होंने इतनी सारी व्यवस्थाएं की जिन्हें वे संभाल नहीं पाए। उन्होंने अपने संभाल पाने की क्षमता से ज्यादा व्यवस्थाएं कर ली है कि नहीं? उन्होंने इस जागरूकता के साथ व्यवस्थाएं नहीं की कि मेरी जरूरतें क्या हैं। उनकी समस्या यह है कि वो हर दिन शॉपिंग करती है, तो मुझे भी शॉपिंग करनी है। मुझे नहीं पता कि खरीदना क्या है, लेकिन कुछ खरीद लूंगी क्योंकि मेरी पड़ोसी भी शॉपिंग कर रही है। क्योंकि वे इस स्थिति में हैं, वैसे तो जीवन के अंत में सामान आगे भिजवाने की कोई सेवा नहीं है, पर ज्यादातर घर गोदाम बन गए हैं। ज्यादातर लोगों के घरों में ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल एक या दो सालों से नहीं हुआ है, पर वे रखी हुई हैं। वे ये चीजें किसी को दे नहीं सकते, लेकिन इससे उनका जीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि हर तरफ चीजें रखी हैं और घर में चलना मुश्किल हो गया है। क्योंकि उनका घर बनाना, ये सभी चीजें खरीदना, उनका रिश्ते बनाना जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं था। वे हर चीज का इस्तेमाल अपने जीवन को उलझाने के लिए कर रहे हैं। तो सरल जीवन का मतलब है आप उलझे हुए नहीं हैं। ये बहुत जरूरी है। आपको मदद मिल रही है, न कि उलझन। आप जैसी व्यवस्थाएं चाहें वैसी बिल्कुल कीजिए, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं जिन्हें आप संभाल सकें, है ना? आप दूसरों जैसी व्यवस्थाएं करने की कोशिश मत कीजिए जिन्हें आप संभाल भी ना पाए। आप ऐसी व्यवस्थाएं क्यों करते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है? अगर आप ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे जो जरूरी नहीं है, तो यह व्यवस्थाएं उलझन बन जाएंगी। तो आपके लिए कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी है, आप वो व्यवस्था कीजिए। यही सरल जीवन है। सरल जीवन का मतलब यह नहीं है कि आप अनाड़ी हैं, ठीक है? आप जीवन को ऐसा बनाते हैं कि किसी भी पल आप जहां भी जाना चाहें जा सकें और जो भी चाहें कर सकें। एक मकड़ी जाल इसलिए बुनती है ताकि उसमें अन्य चीजें फंस जाएं। लेकिन अगर आप ऐसी मकड़ी हैं जो अपने जाल में खुद ही फंस जाए, तो आप मूर्ख मकड़ी हैं, है ना? और ज्यादातर इंसान इसी स्थिति में है। तो सरलता का मतलब है एक समझदारी भरी व्यवस्था जो आपको उलझाए ना। आप ऐसी व्यवस्था बनाएं कि अगर आपकी दिशा, अगर आप इस दिशा में जा रहे हो और वहां कुछ महत्वपूर्ण चीज होती है, तो आप उस दिशा में जा सकें। आपकी व्यवस्थाएं आपका जाल ना बने। यही सरल जीवन है। ये बुद्धिमानी भरा जीवन है।